आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मापतौल विभाग के अधिकारी घटतौली को लेकर बराबर अभियान चला रहे हैं, फिर भी दुकानदार और व्यापारी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। सीमेंट और लोहे की दुकानों पर भी घटतौली की जा रही है, ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। विधिक मापतौल विभाग लगातार अभियान चला रहा है, फिर भी घटतौली कम नहीं हो रही है। घटतौली के कई मामले पकड़ में आए हैं। वरिष्ठ निरीक्षक सुमित्रा नंदन द्विवेदी का कहना है कि भगवान टॉकीज चौराहे के पास सीमेंट और लोहे की दुकान पर घटतौली के मामले पकड़ में आए हैं। दुकान का चालान कर व्यापारियों से जुर्माना वसूल किया गया है। 3 अक्टूबर से हम लोगों ने जनपद में सरिया, सीमेंट, लोहा विक्रेता और गैस वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसमें ये देखा गया कि जो सरिया तौलते हैं उनके कांटे में तौल के साथ, जैसे 5 किलो का बांट रखिए तो 100 ग्राम, ऐसे बढ़ते जाइए तो 100-100 ग्राम करके काफ़ी अंतर आ रहे हैं। उनके कांटों के खिलाफ हम लोगों ने चालान किए और कांटे उनके सीज किए गए। सीमेंट में भी हम लोगों ने अल्ट्राटेक सीमेंट का एक 5-6 बोरी का वजन कराया, जिसमें 500 ग्राम से कम 700 ग्राम 800 ग्राम इस तरह से सीमेंट कम पाया गया, उनके खिलाफ चालान किया गया और उनके जो विक्रेता थे अग्रवाल ट्रेडर्स, उन पर 50,000 का जुर्माना किया। विधिक मापतौल विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक सुमित्रा नंदन द्विवेदी का कहना है कि सरिया तौलने वाले कांटे से घटतौली की जा रही थी। सीमेंट की बोरियों में 500 से 700 ग्राम सीमेंट कम मिला है। इस कार्यस्थानी से ग्राहकों को दुकानदार चूना लगा रहे थे। इस तरह खाद्य पदार्थों के सामान की भी चेकिंग की जा रही है। चाय नमक के पैकेट में भी घटतौली की शिकायत मिल रही है। गैस सिलेंडर वालों को हम लोग पकड़ते रहते हैं और पकड़ भी रहे, अभी भी पकड़ लाए। बस ग्राहक से एक ही अनुरोध है कि वो बिना तौले हुए सिलेंडर न ले, और अगर उसको कम मिले तो तत्काल या तो कंपनी के टोल फ्री पर या बांट माप विभाग के यहाँ शिकायत जरूर करें। हॉकरों की कारिस्तानी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। चेकिंग में आए दिन सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं, फिर भी गैस सिलेंडरों में गैस कम निकल रही है। विधिक मापतौल विभाग के अधिकारियों ने पकड़े जाने पर गैस कम पाई। गैस कम मिलने पर हॉकरों से जुर्माना वसूल किया गया। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।